हेलो गाइस, हम लोग घंटेश्वरी जा रहे थे तो रास्ते में बारिश हो गया, तो हम लोग एक रेस्ट हाउस में रुके हैं और यहाँ पर हमारा बाइक भी उधर खड़ा कर दिए हैं। और हम दो लोग आए थे, मैं और मेरे बड़े भैया सुमित। बारिश बहुत देर तक हुआ और बारिश ख़त्म होने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर तकरीबन 1 बजे हमारा बारिश ख़त्म हुआ और हम अपने सफ़र पर फिर से निकल पड़े। फिर हम 3 बजे के आसपास समलपुर के मेन टाउन पर एंटर हुए और फिर हम घंटेश्वरी की ओर निकल पड़े। माय गॉड! हेलो दोस्तों, हम लोग समलपुर के महानदी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रिज है और ये नदी ना बहुत बड़ा ही नदी है यार। माय गॉड, बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा, पुल भी इतना ज़्यादा बड़ा है कि बता नहीं सकता मैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर पक्षी भी बैठे हैं यार, रुको मैं दिखाता हूँ। गाइस, हम लोग घंटेश्वरी मंदिर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसे दिखाई देता है। यहाँ पर इस तरह का दुकान लगाया जाता है, जो भी भक्त आते हैं यहाँ से सामान खरीद के ऊपर जाते हैं। फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बंदर ही बंदर हैं, बहुत सारे बंदर, और इधर महानदी जा रही है, बहुत बड़ा नदी है इधर। अगर आप देखेंगे तो देखो, वही जो हम पोल में दिखाए थे ना, वहाँ पर वही वाला बड़ा नदी है और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सीन है यार यहाँ पर। यहाँ की वाइब्स ही अलग है। वहाँ पर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं ना। हाँ, नीचे जाएंगे, ठीक है। उधर से दर्शन हो गया ना आपका? नहीं, वो करेंगे और फिर जाएंगे। ये तो
मंदिर से तो निकल चुके हैं, अभी हम छोटे से ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं। दिखाऊंगा अभी, पीछे हमारा महानदी है। तो देखो महानदी, और ये इतना छोटा सा नेरो सा ब्रिज है, यहाँ से लोग जास करते हैं। गाइस ये नेरो ब्रिज में बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। तो देखो कितना ज़्यादा ही नेरो है यार ब्रिज, यहाँ पर एक आदमी जा सकता है, आगे उधर आने वाले के लिए थोड़ा सा रास्ता भी साइड नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग एडजस्ट करके जास कर रहे हैं। अभी यहाँ से दो आदमी गुजरे, तो बहुत बड़ा सा ऐसे नेरो ब्रिज है, और नीचे तो ऐसे महानदी जा रही है, और यहाँ पर भी ऐसे झील टाइप छोटा सा ऐसे टनल टाइप है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही पानी आ रहा है, यहाँ पर मछली भी बहुत हो सकती है। यहाँ पर अभी सुबह हम निकले थे, अभी 4 बज चुका है, ट्रैवल में ही बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया यार। बहुत दिन से सोच रहा था कि घंटेश्वरी मंदिर आऊं और माता जी के साथ माता जी का दर्शन करूं, तो कभी समय नहीं मिल रहा था। अभी गणेश पूजा ख़त्म हुआ कि थोड़ा सा समय मिला और आने का मौका भी मिला। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ पर आप सब भी आ सकते हैं, अगर आप संबलपुर के आसपास हैं तो ये घंटेश्वरी मंदिर उससे कुछ ही किलोमीटर दूर में ही है, यहाँ पर आकर देखिए कितना मज़ा आ जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। बड़ा नदी टाइप टनल है, और ये सारे पानी को यहाँ पर फिल्टर किया जाता है, ये ज़्यादा मशीन है यहाँ पर। ओ माय गॉड, यहाँ पर पानी फिल्टर होने के बाद अंदर और एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर पर पानी जाता है और उस आ जाता है, पानी से टरबाइन को घुमाया जाता है, मतलब पानी से मतलब पानी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रखा जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सब कुछ अंदर उसका चैम्बर है, मुझे तो परमिशन नहीं मिला उधर शूट करने के लिए, तो मैं इसीलिए बाहर से ही शूट कर रहा हूँ, वरना मैं अंदर तक जाकर वहाँ पर डिटेल में वीडियो लेता। तो यहाँ पर भी एक लड़का का मौत हो चुका है, इसीलिए शायद यहाँ पर 2-3 दिन 4 दिन हो गए, वो लड़का का अता पता नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें वहाँ पर शूट करने का परमिशन नहीं दिए। हम घंटेश्वरी मंदिर में घूमे फिरे, मज़े किए, और फिर शाम के वक्त हम घर को लौट आए। हमें तो घंटेश्वरी मंदिर बहुत मज़ा आया यार, आप भी आइएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा।